सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री राखी सावंत की। राखी सावंत अपने अलग अंदाज, अलग मिजाज के लिए मशहूर हैं। अपने पहनावा, ओढ़ावा, अपनी विवादित बोल के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस बार राखी सावंत ने एक वीडियो बनाया है जिसमें एक ड्रेस पहनी है और कहती हैं कि आज आप मेरा जो लुक देख रहे हैं पूरा ट्राइबल लुक्स है, जिसे हम आदिवासी लुक कहते हैं। और ये देखिए, बुम बुम तारा रारा, उनके इसी बोल के कारण झारखंड के विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि अभिनेत्री राखी सावंत ने आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति पर हमला किया है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, जिससे पूरा आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि राखी सावंत ने जो अश्लील हरकत की है उसके खिलाफ 20 अप्रैल बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची के एसटीएससी थाना में मामला दर्ज कराएंगे। वहीं कई और संगठनों ने कहा है कि राखी सावंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उन्हें झारखंड की धरती पर पैर नहीं रखने दिया जाएगा। वहीं कई और संगठनों ने भी एसटीएससी थाना में मामला दर्ज कराने की बात कही है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मनोज सरन। अजय जी, जो राखी सावंत ने ड्रेस पहनकर कहा है कि ये ट्राइबल, देखिए कि मैं ट्राइबल लुक में हूँ, आदिवासी लुक में हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अश्लील हरकत की, बूम बूम तारा रारा, तो इस पे क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं राखी सावंत का घोर विरोध करता हूँ। इसलिए जिस तरह से आप देखे होंगे कि जिस तरह तारा रारा बूम बूम करके जिस तरह अश्लील हरकत की है और आदिवासी का लुक कह के जिस तरह का अपने आप को दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है, और जिस तरह से बूम बूम करके ये अश्लील हरकत कर रही है, ये पूरे आदिवासी समाज, मतलब रांची नहीं, झारखंड नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व का आदिवासियों का ये एक तरह से अपमान किया है। और इस अपमान का बदला उसे हम लोग जरूर लेंगे, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कल रांची के एसटीएससी थाना में कल 11 बजे सुबह हम लोग इसके ऊपर FIR करेंगे। जिस तरह से उन लोगों ने जिस तरह से दिखाया है, अपने सारा बूम बूम करके पूरे आदिवासी समाज को निचला दिखाने का काम किया है, शर्म दिखाने का काम किया, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और कल इसी के घोर विरोध के चलते हम लोग कल एसटीएससी थाना में हम लोग इसके ऊपर FIR करेंगे और जांच करवाएंगे इसको हम लोग। मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि राखी सावंत जब तक माफी नहीं मांगेगी पूरे आदिवासी समाज से, तब तक उन लोगों को माफ नहीं करेंगे। और उसको माफी मांगने के लिए झारखंड की धरती रांची राजधानी में उनको आनी पड़ेगी और पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगना पड़ेगा, तब हम लोग उसको माफ करेंगे। पिछले दिनों हमने फेसबुक पर देखा कि बॉम्बे की कलाकार, जो बॉलीवुड की कलाकार है, अपने फेसबुक में वायरल हुआ है और उन्होंने कहा आदिवासियों के बारे में एक कि झींगा लाला हु और अपने प्रदर्शित करते हुए हमने देखा, और पूरे देश का ही नहीं पूरे दुनिया के आदिवासियों का अपमान किया है। ये राखी सावंत को पता नहीं है कि मानव सभ्यता को डेवलप करने वाले आदिवासी, धान का उत्पादन करने वाले आदिवासी, पूरे दुनिया का सृष्टि करने वाले आदिवासी आज महाराष्ट्र की कलाकार बन करके आदिवासियों को अपमान कर रही है। आदिवासी जन परिषद इसका पुरजोर विरोध करता है, और रांची और झारखंड यदि आती है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और अपमान करके उसे जूते का माला पहनाने का काम करेंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के आदिवासियों को, चाहे दुनिया में जो भी आदिवासी हैं, ऐसे ऐसे कलाकार को जो आदिवासी को अपमान करने का काम किया है उसका पुरजोर विरोध करेगा। इस पर आदिवासी जन परिषद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखेगी, और फिल्म इंडस्ट्री का जो हेड होता है, जो ड्रामा इंडस्ट्री का हेड होता है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। और जब तक जो है इसकी जो है माफ़ी नहीं मांगती है पूरे दुनिया के आदिवासियों को, तब तक हमारा जो है विरोध जारी रहेगा। कहते हैं आदिवासी समाज जो अपने आप में सच्चा होता है, अच्छा होता है, ईमानदार होता है, ठीक है, उसका राखी सावंत जी ने जो उनका ड्रेस पहना वो एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिर अपनी नीयत को, अपनी गंदी नीयत को, आदिवासियों की नीयत बताकर वो जिस तरह का अश्लील हरकत की, ये वाकई में शर्मनाक है, निंदनीय है, और ये आदिवासी समाज का एक तरह से अपमान है, उनके मान सम्मान को गहरा ठेस है, जिससे आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोशित है।
आदिवासी समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वो ड्रेस पहनने के बाद उनकी अच्छाइयों को बता सकती थी, बहुत सारा चीज़ उनका जो था जो जिससे उनका मान सम्मान बने वो चीज़ को बता सकती थी, लेकिन वो अपना लाइमलाइट में आने के लिए, फेमस होने के लिए इस तरह की हरकत की, किसी का मान सम्मान, और ये सिर्फ एक कोई क्षेत्र विशेष का आदिवासी का बात नहीं है, ये पूरे विश्व के आदिवासियों का मान सम्मान का बात है जिसका इन्होंने मजाक उड़ाया है, अपमान किया है। पूरा आदिवासी समाज इससे क्षुब्ध है, आक्रोशित है, और इस चीज को आज के समय में मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक देख रहे हैं, और बहुत गंदा मैसेज ये जा रहा है। और इसके लिए राखी सावंत जी को हम कहना चाहेंगे कि वो इस चीज से बाज आए, और आदिवासी समाज का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, इसके लिए पूरे सबके सामने उनको माफी मांगनी चाहिए, और इस चीज के ये दोबारा इस तरह का हरकत ना हो, ये बातें उनको स्पष्ट करनी चाहिए और पूरे समाज के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। राखी सावंत माफी मांगे, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो हम लोग मानहानि का भी हम लोग दावा करेंगे, कई तरह का जो आंदोलन के माध्यम से भी हम लोग उनका विरोध करेंगे, और अगर वो माफी नहीं मांगती है तो इस झारखंड की धरती में उनका कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। हम आदिवासी समाज, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, लेकिन राखी सावंत ने जिस तरह का हरकत की है, अगर वो माफी नहीं मांगती है तो यहाँ वो कदम नहीं रख सकती है, यहाँ उनका जबरदस्त विरोध होगा जिसका सामना उनको करना पड़ेगा।